हेलो एवरीवन, तो CUET PG के अंतर्गत जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आज जो है HCU का भी आपके रजिस्ट्रेशन लिस्ट आने वाला है और उसमें आपकी रैंकिंग और जो लिस्ट है उससे पता चलेगी कि आपके चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन जा कर के वहाँ पर सारे वेरीफिकेशन एंड एडमिशन लेने पड़ेंगे। तो क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो है अब आपकी ओपन काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी हुई है और यहाँ पर आपको 15 तारीख यानी 15 सितंबर को जाना है। तो देख लेते हैं पूरी नोटिस को। तो विश्वविद्यालय द्वारा संलग्न विवरणानुसार परास्नातक के पाठ्यक्रमों में खुला प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश किया जाएगा। यानी आप जो है आप जाके वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यानी आप अगर आपका मार्क्स कम है, आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, तो आप जाकर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आवेदक इच्छुक विषय में अपने जो विभागाध्यक्ष यानी जो डिपार्टमेंट होगा उसमें आपको जाना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया में वे विद्यार्थी जिन्होंने CUET की परीक्षा नहीं दी है अथवा पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित चयनित नहीं हुए, वे भी सम्मिलित हो सकते हैं। यानी जो CUET जिन्होंने नहीं दिया था वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और आपको अपने जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसमें भी आपको रिपोर्ट करना होगा ऑन 15 सितंबर, ठीक है। यानी आपकी UG एंड PG स्टूडेंट दोनों के लिए वैसे है, पर आप स्पेसिफिक क्योंकि PG के स्टूडेंट ज़्यादातर देखते हैं तो इस वजह से मैं इसके लिए बता दे रही हूँ। आपको यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा, यानी यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो 10th का आपके अंकपत्र यानी सर्टिफिकेट, 12th का आपके सर्टिफिकेट और आपका जो जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो, ठीक है। और जो है आपका प्रोविजन प्रमाण पत्र और बेसिकली अगर माइग्रेशन TC अगर वो डिमांड करेंगे तो वो, और आपके अगर मान लीजिए आपने कोई बेसिकली अगर आपने आरक्षण के लिए मांग किया होगा, रिजर्वेशन के लिए, अगर आप EWS OBC SC ST किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो वो सर्टिफिकेट, और जो आपका अगर मान लीजिए कि PWD कैटेगरी से है तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 तारीख को रिपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं, एडमिशन आप डायरेक्ट जो है मिल सकता है आपको। तो कोई भी अपडेट आएगी चैनल पर देंगे, क्योंकि आज जो है HCU की लिस्ट आने वाली है। फिर आप सभी को अगर आपकी पर्टिकुलर रैंक होगी आपकी कैटेगरी वाइज तो आपको पता चलेगा कि आपको जाना चाहिए वहाँ पर कि नहीं। कुछ डेट्स आपके दिए गए थे HCU के द्वारा, ठीक है। तो आज हमें पता चल जाएगा, तो आज शाम तक इस पर बात करेंगे हम। और कोई भी अपडेट आती है तो हम चैनल पर देंगे। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।